हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स टू ए टेक्नोलॉजी। आज हम लोग को कोल ब्लेंडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोल ब्लेंडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है स्टील मेकिंग के लिए और उसका क्या क्या कौन सा टाइप का कोल हम लोग कुकिंग कोल के लिए यूज करते हैं, उसका सोर्सेस कहाँ है, उसका कोल वाशरी कहाँ कहाँ पर है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए कि वो उसको हम लोग कुकिंग कोल के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि हर कुकिंग कोल और कोल जो इंडिया में जितना भी अवेलेबल है वो सब कुकिंग कोल के लिए यूज नहीं होता है। तो कितने टाइप का कुकिंग कोल यूज होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उसके प्रॉपर्टीज को भी टेस्टिंग करेंगे कि उसका वोलेटाइल मेटल कितना है, उसमें कितना आस परसेंटेज है, वो भी चेक करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कोल वाशर टू कोल या ओपन यार्ड टू CHP एंड CHP टू ब्लास्ट फर्नेस, उसके कैसे अनलोडिंग और कैसे शिफ्टिंग होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक बात है, कोल हैंडलिंग प्लांट जो CHP है उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, क्या रोल है उसका ब्लास्ट फर्नेस के लिए और स्टील मेकिंग के लिए, और जो फाइनल प्रोडक्ट है जो कोक है उसका क्या रोल है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कोल ब्लेंडिंग। टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ कुकिंग कोल। इंडिया में जितने टाइप का कुकिंग कोल है या कोल है, जेन्युइनली कोल है, हम लोग उसको कुकिंग कोल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, सब कोल में प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। तो इसलिए दो टाइप का कोल को हम लोग कुकिंग कोल के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे कि PCC हो गया, MCC हो गया, प्राइम कुकिंग कोल और मीडियम कुकिंग कोल। ये दो टाइप को कुकिंग कोल को हम लोग जेन्युइनली इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में कुकिंग कोल के हिसाब से यूज करते हैं। ये दोनों को छोड़ के हम लोग का जो दो टाइप का है ICC और SCC। ICC होता है इम्पोर्टेड कुकिंग कोल जो हार्ड रहता है और उसको SCC भी बोलते हैं, हार्ड कुकिंग कोल बोलते हैं, और एक है SCC। SCC होता है सॉफ्ट कुकिंग कोल। ये दो टाइप का कुकिंग कोल को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में ज़्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग का कोल माइंस से वो डायरेक्ट कोल वाशरी में जाता है। कोल एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कोल माइंस से होने के बाद वो कोल वाशरी में जाता है, क्योंकि कोल वाशरी में इसलिए आता है उसका जो आस कंटेंट है उसमें जितना आस कंटेंट है उसको कम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को आस कंटेंट नहीं चाहिए। जितना भी कुकिंग कोल है उसका 8-9% ओनली हम लोग आस परसेंटेज रख सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग को कोल वाशरी में लेते हैं। कोल वाशरी में उसका रिड्यूसिंग करके आस परसेंटेज आस कंटेंट जो है उसको रिड्यूसिंग करके उसके बाद इंडियन स्टील प्लांट में भेजते हैं। ये जो PCC का जितना सोर्सेज है, ये 5 टाइप का सोर्सेज है जहाँ पर हम लोग को एक्चुअली मिल सकता है। PCC का जो प्राइम कुकिंग कोल है वो 5 टाइप का, ये 5 जगह पर ही उसको मिल सकता है। और उसके बाद छोड़ के MCC जो मीडियम कुकिंग कोल है, ये 5 जगह पर उसका भी मिलेगा, कि इसका सोर्सेस ये 5 जगह पर ही है। इसी से जब भी कोई कोल आ रहा है तो उसी का सोर्सेस उसी हिसाब से आ रहा है, उसके हिसाब से वाशरी के हिसाब से उसका प्रॉपर्टीज है कि इतना आस परसेंटेज है, इतना ये है, तो उसी हिसाब से उसका प्रॉपर्टीज है, ये मीडियम कुकिंग कोल में आता है। और जो ICC और SCC बोला, ICC जो इम्पोर्टेड कुकिंग कोल है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, ये तीनों जगह से इम्पोर्ट होता है इंडिया के लिए। और SCC जो सब कुकिंग कोल है वो ओनली ऑन ऑस्ट्रेलिया से ही वो डायरेक्ट आता है वो एक्चुअली। उसके बाद हो गया कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट में एक्चुअली स्टील प्लांट के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में कोल हैंडलिंग प्लांट का क्या रोल क्या है, जो कोक है, जो फाइनल प्रोडक्ट कोक है, उसका ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन ओर है, आयरन ओर से वो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो मेन रॉ मटेरियल है कुकिंग कोल, और जो कोक को उसी हिसाब से यूज किया जाता है। उसके बाद हो गया ब्लास्ट फर्नेस का टोटली ऑपरेशन है कि स्टील मेकिंग प्रोसेस, लैडल बनाना, वो टोटली ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन कोक। कोक के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वालिटी ऑफ कोक कैसे प्रोवाइड किया गया, और क्वालिटी जो कोक का क्वालिटी है वो कोकोवन के अंदर प्री कार्बोनाइजेशन प्रोसेस और पोस्ट कार्बोनाइज प्रोसेस उसी के ऊपर डिपेंड है। प्री कार्बोनाइजेशन प्रोसेस एक्चुअल क्या है, उसको कोल को हम लोग हीटिंग करेंगे 1450 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग करेंगे, और उसके बाद विदाउट एनी ऑक्सीजन अवेलेबल ऑफ एनी ऑक्सीजन उसको हीटिंग करेंगे। उसीलिए उसका प्री कार्बोनाइजेशन प्रोसेस और पोस्ट कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से पहले और उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी। कार्बोनेशन का टोटल वीडियो और एक वीडियो में मैं डाल दूंगा कि कार्बोनेशन प्रोसेस क्या है, उसके कैसे हीटिंग किया जाता है ओवन के अंदर, उसका कैसे रोल है, कैसे उसको चार्जिंग किया जाता है ओवन के अंदर, कैसे उसका पोस्टर कार के थ्रू कैसे लेते हैं, उसका क्या क्या रोल है, और टोटल कार्बोनेशन प्रोसेस का क्या, उसके कौन सा गैस निकलता है, केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, वो टोटल वीडियो और एक वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो जो हो गया प्री कार्बोनेशन प्रोसेस, वो टोटल प्री कार्बोनेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन कोल हैंडलिंग प्लांट, जहाँ पर कोल ब्लेंडिंग होता है, कौन सा प्रॉपर्टीज, कौन सा रेशियो में प्री डिफाइंड रेशियो क्या है वो उसके ऊपर क्या है ब्लेंडिंग, उसी उधर ब्लेंडिंग होता है। उसके बाद क्रशर में आता है, क्रशर में कौन सा साइज हम लोग को चाहिए, कितना -3 फीट साइज 50 होगा तो कितना तक हम लोग
प्रोडक्ट साइज निकलना चाहिए, उसका फाइनल प्रोडक्ट कितना साइज का होना चाहिए, उस हिसाब से क्रॉसिंग में भी उसका काम है। तो टोटल डिपेंड ऑन कोल हैंडलिंग प्लांट। उसके बाद हम लोग का जो कोल इंटेंड स्टील प्लांट के अंदर जो कोल आता है वो बाय थ्रू रेलवे वैगन के थ्रू आता है। एक रैक मतलब एक टाइम पे जो भी आता है एक रैक में आता है, वो 59 वैगन में रहता है। टोटल फुल्ली 59 वैगन रहता है। वो वैगन आने के बाद वैगन टिपलर में जाता है। वैगन टिपलर में वो मैकेनिकल क्लैंपिंग पहले से सेटिंग हुए वैगन टिपलर में, वो एक वैगन को एक टाइम पे फ्लिपिंग करेगा और टिपलिंग करने के बाद वो होपर में जाएगा। होपर के थ्रू बाय थ्रू सम कन्वेयर वो कोल यार्ड में आएगा। कोल यार्ड में क्या है, स्टैकर है। स्टैकर क्या काम है, उसको स्टैकिंग करना है कि डिफरेंट पाइल से स्टैकिंग करना है। लेकिन एक बात उधर ध्यान रखना है, जो दोनों पाइल्स है दोनों कोल यार्ड का पाइल्स है वो जैसे मिक्सअप ना हो, इसीलिए ध्यान रखना है। उसमें कम से कम 5 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस नहीं रहेगा तो कोई मिक्सअप हो जाएगा तो ब्लेंडिंग के लिए हम लोग के लिए प्रॉब्लम है कि ब्लेंडिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे सही से। और उसके बाद हम लोग का जो स्टैकर कम रिक्लेमर, और रिक्लेमर जिसको बोलते हैं जिसमें स्टैकिंग नहीं कर सकते हैं, ओनली रिक्लेमिंग कर सकते हैं, मेटल को रिक्लेमिंग करके उसको ब्लेंडिंग कोल ब्लेंडिंग का जो जहाँ पर साइलो है या बंकर है, ब्लेंडिंग साइलो है जहाँ पर बोलते हैं उधर लाते हैं। उसके बाद उसको ब्लेंडिंग करके CSP के थ्रू भेजते हैं। कुकिंग कोल प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए कुकिंग कोल में, और उसका रेंजेस क्या क्या, कौन सा कितना तक होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट में क्या है कि कितना 10% से ज़्यादा वो होना नहीं चाहिए। 10% मैक्सिमम 100% से टोटल कोल से 10% मॉइस्चर होगा तो चलेगा। उससे ज़्यादा होगा तो उसको कोल हैंडलिंग के लिए प्रॉब्लम होगा, ब्लेंडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होगा, और एक जगह पे दूसरी जगह जब कन्वर में डिस्चार्ज चोट में जाएगा उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होगा। तो कोल हैंडलिंग पॉइंट के लिए प्रॉब्लम होगा। और सेकंड पॉइंट है उसका जो कार्बन परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट 10% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है आस, आस का पॉइंट क्या है, जब आस भी ऑल्सो 10% से ज़्यादा मैक्सिमम 10% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो डायरेक्ट वो वेब का ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। क्योंकि क्या है ना, इंक्रीज जब आज का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा जो स्लैग जो ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैग निकलता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और जो कोक रेट कंज्यूम ऑफ कोक रेट भी ऑल्सो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए उसका जो आज परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक रहना चाहिए। और उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन इसको 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद जो रेसिड्यू है उसके बाद 950 डिग्री सेल्सियस में हीटिंग करेंगे, वो जो रेसिड्यू इनऑर्गेनिक रेसिड्यू है वो रह जाएगा। तो इसीलिए उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज उसमें आस था बोल के। थर्ड पॉइंट हो गया वोलेटाइल मटेरियल। वोलेटाइल मटेरियल ये है जो मॉइस्चर को छोड़ के और जो सब्सटेंसेस और जो इंग्रेडिएंट रोक गया है कोल में उसी को हम लोग वोलेटाइल मटेरियल बोलते हैं। और वोलेटाइल मटेरियल क्या होता है ना, ज़्यादातर गैस और वेपर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो उसको कैलकुलेशन और टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको 105 डिग्री सेल्सियस में टेस्ट करेंगे, हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद उसको मेजर करेंगे कि कितना मटेरियल है बोल के। मान लो 1 kg का मेटल है, उसको और एक बार 950 डिग्री सेल्सियस में उसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद जो वोलेटाइल मेटल जो है वो गैस और वेपर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो और जो रुक गया उसी को मतलब उसी को काउंट करने के बाद कितना परसेंटेज जला उसी हिसाब से गैस में वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसी हिसाब से उतना ही वोलेटाइल मेटल पता चल जाएगा। वोलेटाइल मेटल ज़्यादा से ज़्यादा 20-30% का रेंज में होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो उसका जो कोक यील्ड है, ब्लास्ट फर्नेस में कोक यील्ड है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20-35% वोलेटाइल मटेरियल रहना चाहिए। थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गया सल्फर। सल्फर का परसेंटेज 0.6% से ज़्यादा होगा, क्या ना 0.6% से ज़्यादा होगा तो वो हॉट मेटल के साथ रहता है। तो हॉट मेटल जब बर्न होता है, जब कोक को हम लोग फ्यूल और रेसिड्यू एजेंट के हिसाब से ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ करेंगे तो उसका रेसिड्यू रह जाएगा। तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट स्टील का जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसमें थोड़ा थोड़ा रेसिड्यू रह जाएगा, इसीलिए उसका परसेंटेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.6% रहना चाहिए। तो ये हो गया सल्फर। सल्फर के बाद हो गया फॉस्फरस। फॉस्फरस का ही वही 0.1-0.3% के अंदर ही रहेगा। तो 0.3% ज़्यादा रहेगा वो कार्बन फॉस्फरस का भी वही प्रॉब्लम है, जो स्मेल्टिंग होगा जब लैडल में हम लोग स्मेल्टिंग करेंगे टोटल आयरन को स्मेल्टिंग करेंगे उस टाइम पे फॉस्फरस का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो उसका रेसिड्यू भी ऑल्सो हार्मफुल रहेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसमें भी हार्मफुल रहेगा। तो इसीलिए फॉस्फरस का भी पॉइंट कम होना चाहिए, पूरा मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कम होना चाहिए। वोलेटाइल मटेरियल, आस, सल्फर, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब जितना कम रहेगा उसी का कोल रैंक जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसी हिसाब से देखना है ये 5 प्रॉपर्टीज कम से कम उसका लेवल से कम होना चाहिए। और उसके बाद हो गया आस फ्यूजन पॉइंट।
आस फ्यूजन टेम्परेचर कितना में आस फ्यूजन हो जाएगा, आस का जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो कितना तक है, मिनिममली 1450 डिग्री, 1450 डिग्री सेल्सियस से कम मिनिमम रहना चाहिए। क्योंकि जब कोकिंग को हम लोग हीटिंग करते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस में, तो कोक बनाने के लिए कार्बोनेशन प्रोसेस में 1300 डिग्री सेल्सियस में हम लोग हीटिंग करेंगे। जब हीटिंग करेंगे, जब आस का परसेंटेज फ्यूजन पॉइंट कम होगा, तो वो आस भी मेल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए उसको मतलब डायरेक्ट कोक में रहेगा वो, तो इसलिए उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो आस भी ये रह जाएगा, तो कोक में आस का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। और कोक में यूज करेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कम हो जाएगा, जो कोक का जो कोक रेट होता है वो भी कम हो जाएगा। तो आस फ्यूजन टेम्परेचर मिनिममली 1450 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। उसको टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे, आस जो है जेनुअनली आस लेंगे, उसको प्रेसिंग करेंगे, प्रेसिंग को उसको हीटिंग करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट में उसको हीटिंग करेंगे। उसी से हम लोग का कैरेक्टराइज, उसका क्या बिहेवियर है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है उसका कैरेक्टराइज क्या है, कैसे बिहेवियरल चेंज होता है, उसी हम लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मिनमैक्स रिफ्रैक्टेंस, मिनमैक्स रिफ्रैक्टेंस ये है कि उसका उसी हिसाब से हम लोग को कोल रैंक का भी पता चल जाएगा। उसका जेनुअनली क्या है ना, 0.75 से 1.75 तक उसका रेंजेस रहता है, जितना भी रेंजेस कम रहेगा उसी हिसाब से उसका वोलेटाइल हार्ट ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए उसको चेक करने के लिए उसको पहले क्या है ना, 500 मेगापिक्सल का लाइट डालेंगे, उसके लाइट से उसी को मतलब कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी हिसाब से उसमें पता चल जाएगा कि उसका कितना वोलेटाइल है। जैसे उसका रेंजेस है लो वोलेटाइल मटेरियल का जेनुअनली 1.45 से 1.75% तक रेंजेस रहता है, और मीडियम वोलेटाइल मटेरियल का 1.05 से 1.45, और जो हाई वोलेटाइल मटेरियल है उस जिसका रेंजेस अच्छा है, अच्छा कोल बोला जाता है, उसका रेंजेस रहता है 0.75 से 1.05। बट जब लो वोलेटाइल मटेरियल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया MMR वैल्यू। नेक्स्ट हो गया मैक्सिमम फ्लूडिटी। फ्लूडिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जनरली सबको पता है कोई भी मेटल प्रॉपर्टीज का उसका एक फ्लूडिटी लेवल भी रहता है, और फ्लूडिटी लेवल से हम लोग को मतलब चार्जिंग करने के लिए, मेटल हैंडलिंग करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग का जो रेंजेस है वो 600 DDPM रहे। DDPM ये है डायल डिवीजन पर मिनट। हम लोग का जो फ्लूडिटी जब भी चेक करते हैं उसका डायल डिवीजन पर मिनट उसी हिसाब से यूनिट में चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, उसको पहले 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद तो उसका जो मेल्ट मेल्ट पोजीशन में जब आ जाएगा, उसको फिर जब उसका उसके बाद उसका प्लास्टिक लेवल वो क्रॉस करेगा। प्लास्टिक लेवल क्रॉस करने के बाद क्या होगा ना, उसका जो मैक्सिमम फ्लूडिटी लेवल है उसे कुछ चेक करेंगे। गज में डालने के बाद उसका कितना पर मिनट कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना डायल गज ट्रैवल कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा। और जेनुअनली उसका रेंजेस है 600 DDPM बोल के। ये हो गया मैक्सिमम फ्लूडिटी। नेक्स्ट हो गया फ्री स्वेलिंग इंडेक्स। फ्री स्वेलिंग इंडेक्स से भी हम लोग को कोल रैंक कौन सा है पता चल जाएगा। फ्री स्वेलिंग इंडेक्स से हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को जैसे कि CSN हम लोग को बोलते हैं क्रूसिबल स्वेलिंग नंबर, क्रूसिबल स्वेलिंग नंबर, उसी हिसाब से 1 से 9 तक नंबर रहता है, उसी से हम लोग को पता चलेगा कि उसका नंबर कैसे है, उसका रेंजेस क्या है। जैसे कि हम लोग को उसको पहले टेस्टिंग करने के लिए 900 डिग्री सेल्सियस में हीटिंग करेंगे। 900 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग करने के बाद उसका एक शेप आ जाएगा, उसी शेप को हम लोग विजुअलाइज चेक करेंगे कि उसका शेप कैसे है। जैसे कि ये टोटल 1 से 9 के शेप में इतना ही टोटल है, तो ये जो 4 से 6 का ये जो 3-4 पार्ट है उसी शेप का आ रहा है, तो उसका मतलब ये हार्ड कोकिंग कोल में उसका रेंजेस है, उसका रैंक जो है हार्ड कोकिंग कोल में आ रहा है। और जो 2 से 4 के जो रेंजेस है वो सेमी सॉफ्ट कोकिंग कोल में आता है, उसी हिसाब से जो 1 से 2 उसी रेंज में आएगा तो उसका सॉफ्ट कोकिंग कोल में आएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग FSI और फ्री स्वेलिंग इंडेक्स है हम लोग को पता कर सकते हैं ये कौन सा कुकिंग कोल है, हार्ड कुकिंग कोल, सब कुकिंग कोल और सेमी सब कुकिंग कोल, उसी हिसाब से पता चलेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से होने के बाद हम लोग ब्लेंडिंग में लेते हैं, ब्लेंडिंग साइलो बंकर्स में लेते हैं। ब्लेंडिंग बंकर में क्या है ना, बहुत सारा वेब फीडर रहता है कि एक ब्लेंडिंग बंकर से एक ही वेब फीडर, एक ही डिस्चार्ज पॉइंट रहता है उसी का। लेकिन जैसे कि एक रेंजेस में 16 वेब फीडर है, और वेब फीडर के हिसाब से उसका जो डिस्चार्ज पॉइंट है, वेब फीडर से डिस्चार्ज पॉइंट है वो एक ही कॉमन कन्वेयर में रहेगा, और एक ही कन्वेयर में उसकी हार्ड कुकिंग कोल और सॉफ्ट कुकिंग कोल दोनों को प्री डिटरमाइंड रेशियो, जो प्री डिटरमाइंड रेशियो होगा उसी हिसाब से हम लोग मिलाएंगे। वो प्री डिटरमाइंड के लिए हम लोग को उसका प्रॉपर्टीज के जानना बहुत जरूरी है, कि उसका कितना परसेंटेज है, कौन सा ये, वो सब मिल जाएगा कोल वाशर से। जैसे कि हम लोग इधर से ला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं कि ये कोल ला रहे, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका आस कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है,
उस हिसाब से उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को चाहिए कि एज परसेंटेज 8-9% चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग एज परसेंट उस हिसाब से हार्ड कुकिंग कोल इतना डालेंगे, इतना परसेंटेज के हार्ड कुकिंग कोल रहेगा, इतना सॉफ्ट कुकिंग कोल करेगा और इतना सेमी सॉफ्ट कुकिंग कोल करेगा, उसी हिसाब से हम लोग प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। और जितना भी जो वेब फीडर है, वेब फीडर से वेब फीडर का और एक वीडियो में मैं डाल दूंगा कि वेब फीडर कैसे ऑपरेशन उसका कैसे, उसका मेंटेनेंस क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट उसी में लगा है, उसी हिसाब से मैं वेब फीडर का भी और एक वीडियो में डाल दूंगा। और वेब फीडर को हम लोग को एक है कि उसका जो स्पीड है उसको मतलब वेरिएट कर सकते हैं, उसी से हम लोग को मतलब जिस हिसाब से हम लोग का प्रपोर्शन है उस हिसाब से हम लोग उसका स्पीड वेरिएंट करेंगे। और उसके बाद स्पीड का बाद वेब फीडर के बाद हम लोग का जो कमन बेल्ट में आ गया सेमी दोनों तीनों टाइप का कुकिंग कोल, उसको फिर क्या लेंगे ना हमर कसर में जाएगा। हमर कसर में क्या होगा, उसका जो शेप है, जो डिफरेंट टाइप का शेप है उसको एक होमोजेनाइज शेप करने का, और उसको मिक्सिंग मिक्सअप भी हो जाएगा उधर, होमोजेनाइज शेप कर जाएगा। तो उसका जो 82% तक उसका 80-90% तक 0-3 mm जो फाइनल प्रोडक्ट साइज है तब आएगा, तभी उसका उसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग इंडेक्स। क्रशिंग इंडेक्स ये है कि 80-82% तक हम लोग का वही सेम 0-3 mm के अंदर आ रहा है, उसको हम लोग कुछ क्वांटिटी का कुछ मेजरमेंट लेंगे, तो 80-82% तक 0-3 mm तक आ रहा है तो हम लोग का ठीक है कि हाँ ये क्रशिंग इंडेक्स सही है हम लोग का। तब नहीं है तो उसका जो डिस्चार्ज पॉइंट है, जो डिस्चार्ज प्लेट है उसको हम लोग एडजस्ट करके उसका जो इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। उसी से हमर कसर का भी और एक वीडियो में आ रहा है कि उसका हमर कसर में कैसे कैसे उसको इंडेक्स करेंगे, कैसे स्कूप कपलिंग का कैसे उसका क्या रोल है, और बेल्ट भी बेल्ट का क्या रोल है, उसका क्रशिंग का कितना टाइप का ये, और कितना कौन सा मटेरियल का क्रशर है, कौन सा टाइप का हमर है, वो सब भी डाल दूंगा। ये हो गया है हमर कसर। हमर कसर में और एक चीज़ है बग डेंसिटी भी उसका भी बढ़ा सकते हैं। बग डेंसिटी का क्या फायदा है, जो जैसे कि हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं, बग डेंसिटी है जैसे कि सॉलिड का और लिक्विड गैस का, उसी हिसाब से बग डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा है, इसलिए कम शेप में उसका ज़्यादा क्वांटिटी का रह सकता है, तो इसी हिसाब से बग डेंसिटी उसका बढ़ेगा। तभी तो हम लोग जब कोल में ओवन के अंदर जब डालेंगे कोल को चार्जिंग करेंगे तब कम शेप में उसका जो मैक्सिमम क्वांटिटी तक उसमें मेटेरियल रह सकता है, तो उसी हिसाब से इसीलिए बग डेंसिटी भी बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्रशिंग करते हैं। और इसी हिसाब से उसके बाद जो क्वालिटी टोटल कोल का क्वालिटी कोक का क्वालिटी है वो प्री कार्बोनेशन प्रोसेस और पोस्ट कार्बोनेशन प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो लेकिन वो प्री कार्बोनेशन प्रोसेस में टोटल ब्लेंडिंग और क्रशिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली वो जो क्रशिंग इंडेक्स है उसको वेरिएंट नहीं करें, उसको 80-82% तक रखेंगे तभी जाके हम लोग का कोक का जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा तभी सही रहेगा, नहीं तो वो क्या होगा ना आगे जाके ब्लास्ट फर्नेस पे वो उसका प्रॉब्लम रहेगा। ब्लास्ट फर्नेस में उसको आज कोयल भी हम लोग यूज करते हैं, रेसिडो इंसिडेंट हिसाब से रीयूज करते हैं, और जो बर्डन है बर्डन जो ब्लास्ट फर्नेस में स्टील मेकिंग के लिए जो बर्डन है उसको सपोर्ट करने के लिए भी हम लोग कोक यूज करते हैं, तो इस हिसाब से कोक का क्वालिटी सही नहीं रहेगा तो रेसिडो भी बढ़ जाएगा। उसको फ्यूल के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे लेकिन बट हम लोग को फ्यूल उतना ये नहीं रहेगा, एफिशिएंट नहीं रहेगा, तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्शन कम रहेगा, स्टील मेकिंग का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। और ये टोटल जो जितना भी हम लोग कार्बोनेशन प्रोसेस में कैसे हम लोग सीओ गैस को मतलब हम लोग उसी को हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं, कोल का जो सीओ गैस निकल रहा है उसी को हम लोग उसी से फर्नेस में लगा के उसी को और एक बार हीटिंग कर रहे हैं, उसके बारे में और एक वीडियो में डाल दूंगा। टोटल कार्बोनेशन प्रोसेस क्या है, बाय प्रोडक्ट का क्या रोल है, बाय प्रोडक्ट क्या क्या मटेरियल निकलता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके ऊपर भी और एक वीडियो में डाल दूंगा। आज के लिए यही है कि टोटल कोल ब्लेंडिंग के ऊपर आज का वीडियो है, को अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोल जो जितना भी कोल में कुछ भी रिव्यू है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू।